बहुत टेस्टी है। हाँ। अरे मेरी राम जी, हाय हाय, माफ करना। वो क्या है ना कि अब मैं रानी को खाना डालना ही भूल गई। क्या है, जब तक हमारे घर से कुछ खाते नहीं है ना, बेचारी भौंकती ही रहती है। रानी, हमारे पड़ोस की कुतिया, पूरे टाइम ना हमारे घर में ही पड़ी रहती है। अब मैं डाल के आई, ये भी ले जाती हूँ। आपको कैसा लग रहा अपने से छोटी उम्र की सास पाकर? बिल्कुल वैसा ही जैसे आपको यहाँ देख के हमें लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे सही जगह पर गलत इंसान आ गया हो। जैसे ये चांदी की प्लेट आपके हाथ में अच्छी नहीं लगती ना, बिल्कुल वैसी गुड्डन लगती है इस घर में। अरे इसे तो किसी ने खोला ही नहीं, मैं देखती हूँ। हाय हाय, कितनी बुरी बदबू आ रही है, पता नहीं कहां से उठा के ले आई हूँ। काजू बादाम तो अच्छे होंगे, मैं देखती हूँ। अरे अरे लक्ष्मी दीप, खराब क्वालिटी का होगा ना, वो क्या है ना कि आधे दाम में मिल जाते हैं, है ना कौशल्या जी? अंदर जो इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स के बैग्स हैं वो ले आई। और हाँ, एक मिनट, ये थाल लीजिए और बाहर जो माली है उसे दे दीजिए, जाइए। ये अच्छा काम किया, बदबू आ रही थी। कौशल्या जी, अमीरों के साथ रिश्ता रखने का सपना देखती है ना आप, तो उसे बनाए रखने के लिए ये पुरानी हरकतें छोड़नी होंगी आपको। ऐसे सड़क छाप चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। लीजिए। वो क्या है ना कि जिस सड़क छाप, बादाम और किशमिश को माली को देकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है ना, वही सड़क छाप बादाम और किशमिश खा खा कर तुम्हारी सास बनी है मेरी गुड्डन। वो जो इस घर की सही मायनों में मालकिन है, क्योंकि हार नहीं तो कल ये सब उसी का तो होना है। और जब ऐसा होगा ना, तब मैं तुम्हें इंपोर्टेड बादाम गिफ्ट में दूंगी, क्योंकि तब तो तुम्हारी औकात सड़क छाप बादाम खाने के लायक भी नहीं होगी। अच्छा है, अच्छा है, देखिए बड़े बड़े सपने देखिए, पर क्या है ना कौशल्या जी, जब हम सपने देखते हैं ना, तो जो कड़वी सच्चाई होती है वो हमारे सामने होते हुए भी नजर नहीं आती। लीजिए, बादाम खाइए, इंपोर्टेड है। लीजिए। बेटा, अगर ये सच है तो तुम्हारा गला क्यों भर आया, आंखें क्यों नम हो गई तुम्हारी? क्योंकि आगे की कहानी है ही कुछ ऐसी, अगर आप भी आगे की कहानी सुनेंगे ना, तो आपकी आंखों से भी खुशी के आंसू के शावर चालू हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या होता है पापा? अब एजे का तो हमें पता ही है कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, तो हमें डर था कि पता नहीं खाना खा के उन्हें खाना पसंद आएगा कि नहीं, हम बहुत डरे हुए। और जैसे ही उन्होंने खाना खाया, दो मिनट तक तो सब शांत, हम और डर गए, अरे बाप रे इनको खाना पसंद नहीं आया, अब तो पक्का से डांट पड़ेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, एजे खाना खाते हैं और क्या कहते हैं सुनिए। हाँ तो गुड्डन, मैं सालों से खाना बनाता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद मेरे रेस्टोरेंट के किसी डिश में भी नहीं है। मुझे लगा था तुमसे ना हो पाएगा, पर तुमने तो कर दिखाया गुड्डन। यही सोच के हमारी आंखें नम हो गई पापा। आपकी गुड्डन की शादी ना
बाकी सबसे अलग है। आम शादियों जैसी नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, पर सब ठीक हो जाए। तो आप है ना, चिंता मत करा कर। चलिए छुटकी के पापा। अरे मम्मी, मम्मी आप मिली नहीं हो और आपको जाने की जल्दी पड़ी है। अब भी कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ पापा, ठीक है। छुटकी के पापा, देख रहे हो ये सब, इतने महंगे कपड़े, ये महंगे गहने, ये तो यहाँ ऐश कर रही है। और एक आप है जो दिन रात इसकी चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। वैसे ये भी क्या कम है कि इसे हमारी शक्ल तो याद है। खैर अब चलिए यहाँ से, शगुन हो गया है। कौशल्या रुको तो सही, हम अभी अभी आए हैं। मुझे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं, चले अब। लेकिन कौशल्या। हाँ पापा, आप चाहिए। मम्मी का ख्याल रखना। अपना ध्यान रखना बेटा। अब कीजिए कलाकारी उस घर जाकर, सास बनकर और उस अक्षत जिंदल की दूसरी पत्नी बनकर। आप लोगों को दिन भर याद करते हैं मम्मी। पापा हमें माफ कर दीजिए, चाहकर भी सच नहीं बता सकते। पहले ही बहुत टेंशन दे दिया ना हमने आपको, अब तो अंकल को उम्र भर भी झेलना होगा तो हम झेल लेंगे, पर आपकी परेशानियों का कारण नहीं बनेंगे। जितनी मेहनत लगेगी उतनी मेहनत करेंगे हम और इस शादी को पढ़ते दम तक निभाएंगे। आज ही लिपस्टिक वो काम करके दिखाएगी जो कभी दुर्गा देवी नहीं कर पाएगी। क्या कह रही थी हमारी सासू माँ की माँ कि गुड्डन इस घर की रानी है? रानी बनना तो बहुत दूर की बात है, अगर गुड्डन आज के करवा चौथ का पाठ भी पूरा कर लेना तो मेरा नाम भी लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी दी, मैं एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम दोनों को इस प्लान में ना दुर्गा दी को भी शामिल कर लेना चाहिए। वो क्या है कि अगर उनको पता चल गया ना तो दुर्गा से गाली बनने में टाइम नहीं लगाएंगी और हम उनको बहुत सुनाएंगी वो। चुप रह तू, और मेरी एक बात ना हमेशा याद रखना, कभी कभी अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती। और क्या हर बार दुर्गा दी हा? हर बार क्या उनके भरोसे बैठेंगे हम? तो चुप रहे और मेरे साथ। अच्छा आठ बजेंगे।
छी। शौक है ना दोनों माँ बेटी को इस घर पे राज करने का, हाँ? महारानी बनने का। लो महारानी के लिए बहुओं की तरफ से खास लिपस्टिक लगाओ। कितनी जोर जोर से मारा है। इंडिया की यंगेस्ट सास गुड्डन। तुम्हारी सासू माँ तो बहुत जच रही है। वैसे बिल्कुल इंडिया की सबसे छोटी सास जो है भाई, वो तुम बहुओं से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे अरे अरे, सिर्फ शक्ल सूरत से क्या होता है, हमारी दुर्गा दी पूरे इंदौर में सबसे अच्छा पार्ट पड़ती है करवा चौथ का। हाँ, अब उनकी मुकाबले में कोई आए तो फिर बात है। आगे आगे देखो होता है क्या। इस गुड्डन से ना कुछ हो पाया है और ना कभी हो पाएगा। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन कई महीनों में बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि मेरे लल्ला की पत्नी और तीनों बहुओं की सास का पहला करवा चौथ है। इसलिए आज की पूजा पाठ और कथा यही सुनाएगी। गुड नाइट बेटा, बैठो। सासू माँ शुरू कीजिए पाठ। सच सच बताओ, इसमें तुम दोनों का हाथ तो नहीं? दुर्गा दीदी, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इसमें तो हाथ है सिर्फ वो गोंद वाली लिपस्टिक का। अब तो हमारी सासू माँ की बोलती बंद। गुड्डन शुरू करो बेटा।
क्या हुआ बेटा? शुरू करो ना। लॉर्ड कृष्णा, हमारी आवाज, प्लीज मदद करो। अरे दादी, ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसे सबके सामने बिना कुछ बोले भाग गई, पाठ किए बिना पूजा अधूरी छोड़ के भाग गई। बताओ, ये तो चौथ माँ का बहुत बड़ा अपमान है ना दादी? ये क्या हो गया? सबको कैसे बताएंगे इस बारे में? करवा चौथ का पाठ करने का वादा किया है हमने दादी से, उन्हें कितना बुरा लगेगा। के साथ मीटिंग कल की। I'll just call you back. लास्ट बार समझाया तुमको, चीजों को हाथ मत लगाया करो, फिर बिगाड़ दिया सब। अब ऐसे फूट फूट के बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अरे अरे क्या हुआ, बोलोगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा। हमारे होठ चिपक गए हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। कैसे? गुड्डन, अगर तुम ऐसी हिलती रही ना तो मैं तो क्या तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। करवा चौथ का पाठ करना है ना तुम्हें, पक्का करना है ना, तो बिना हिले चुपचाप सीधे सीधे बैठे। ये थिनर है, इसको तुम्हारे लिप्स पे लगा के लिप्स से हटा दूंगा। इधर आओ गुड्डन, करना पड़ेगा, इधर आओ। बस हिलना बंद करो। हाँ कुछ नहीं होगा। ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी, अपनी तकदीरें, मेरा जमीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ ना मुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दादी जी बुलाइए ना इंडिया की सबसे छोटी सास को, मुहूर्त के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी है। बेटा तू आराम से बैठना, पूजा का कोई सामान छूट गया होगा, लेने गई होगी, आ जाएगी अभी। अब दादी माफ करिएगा, अब जिस तरह से हमारी सासू माँ उठ के गई है ना, हम में से यहाँ पे किसी को नहीं लग रहा कि वो वापस आने वाली है, है ना? है ना? हाँ, हाँ, हाँ। गुड्डन ने वादा किया है मुझसे, वो मेरे लल्ला के लिए व्रत भी रखेगी और पाठ भी सुनाएगी, वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी। पर दादी, कहीं आपकी बहू ने मुहूर्त के बाद आकर वादा पूरा किया तो? बुरा मत मानिएगा दादी जी, वैसे मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपकी बहू की, सुना है कि वो कोई भी काम सीधे से नहीं कर पाती है। बिल्कुल सही सुना है। वैसे आप पाठ दुर्गा से ही क्यों नहीं पढ़वा लेती हो? वैसे भी तो हर साल वही पढ़ती है। दादी मान जाइए ना, देखिए ना सब लोग कह रहे हैं कि दुर्गा जी को पाठ पढ़ना चाहिए।
ठीक है, तू ही कर ले। जी दादी। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला तेरा जो है। आराम से खोल। जो खत्म ना।